हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक हेयर कलर, जिस हेयर कलर को आप लोगों ने शार्क टैंक में भी देखा होगा और इसकी जो रिव्यू है वो काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है एंड बहुतों के हेयर में ये काफी ज्यादा अच्छा इस हेयर कलर ने वर्क किया है। तो आज मैं इसी हेयर कलर को यूज करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ सिर्फ वर्जिन हेयर में ही इस कलर के रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर अगर आप हिना यूज करते हैं या फिर आपने पहले से भी हाइलाइट्स या कलरिंग या किसी तरह की ट्रीटमेंट करा रखी है तो उसके बाद भी इस हेयर कलर के रिजल्ट आपके हेयर में दिखने वाले हैं। बताती हूँ उस हेयर कलर के बारे में। तो ये है पैराडाइज की हेयर कलर और ये जो कलर है ये कोई आम कलर नहीं है, ये काफी ज्यादा फेमस तो है ही। जैसा कि आप सबको पता है कि पैराडाइज की जो हेयर कलर है वो शार्क टैंक होके आ रही है, इसलिए भी क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं है, क्योंकि अमोनिया काफी ज्यादा डैमेज करते हैं हेयर को। हेयर कलरिंग जो थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी उन लोगों के लिए जो लोग अमोनिया नहीं यूज करना चाहते अपने हेयर पे, इस रीजन से बहुत लोग अपने हेयर पे हेयर कलर नहीं लगाते थे। तो ये जो कलर है इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं है, इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं तो है। हम लोग इसे यूज करने के बाद ही देखेंगे कि इसमें अमोनिया नहीं है तो क्या अमोनिया के बिना भी हेयर डैमेज हो जाते हैं या फिर नॉर्मल रहते हैं। और इसके जो रिजल्ट है वो वर्जिन हेयर पे काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो हिना वाले हेयर, ट्रीटमेंट वाले हेयर या फिर जिसमें कलरिंग पहले से हो रखी है हाईलाइट, वैसे हेयर पे इसके रिजल्ट कैसे। तो बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो पैराडाइज की हेयर कलर है ये है ग्लॉसी हेयर टिंट नेचुरल लुकिंग हेयर कलर, में ऐसा मेंशन किया गया है नो ब्लीच रिक्वायर्ड विजिबल ऑन ब्लैक हेयर। जो कलर परचेज किया है वो है लाइट ब्राउन और यहाँ पे लिखा है हेजल ब्राउन लॉन्ग लास्टिंग क्रीम कलर है और ये 15 to 20 वॉशेस तक फेड नहीं होने वाली और इसमें एक एंटी फेड कंडीशनर भी फ्री मिल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पीपीडी नहीं है और एमोनिया नहीं है। में जो रिसोर्सिनॉल होती है मुझे नहीं पता ये क्या होती है बट वो भी इसमें नहीं है। बाकी की जो इसके पीछे डिटेल्स दी गई है, इसे कैसे यूज करना है, ग्लव्स वेयर करना है, कलर इन डेवलपर को मिक्स करना है जैसे आमतौर पे सारे कलरों को यूज किया जाता है और उसके बाद इसे 30 to 45 मिनट्स तक रखना है और उसके शैम्पू से इसे वॉश करना है और फिर कंडीशनर यूज करना है। इसमें एक डेमो पिक्चर भी दी गई है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कि आपके हेयर कलर पे अगर आपके थोड़े ब्राउन हैं तो ये कलर कैसा रिजल्ट आने वाला है इस कलर के यूज करने के बाद, अगर आपके पूरे ब्लैक हेयर है तो फिर कैसा रिजल्ट आने वाला है आपके हेयर पे इस कलर को यूज करने के बाद। फिर इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी तरह के कलर यूज करते हैं या फिर पास्ट 6 मंथ में आपने हिना यूज किया है तो मे बी रिजल्ट जो है वो अनइवन हो सकते हैं। तो ये चीज तो सही है कि कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि अनइवन रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फेक प्रोमिसेस के साथ ये जो है कलर वो बिक रही है। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है आइडियल रिजल्ट मिलने वाले हैं वर्जिन हेयर पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कलर है ये वर्जिन हेयर पे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये ग्रे हेयर वालों के लिए नहीं है, ग्रे हेयर को आपको कवर करना है तो उस चीज के लिए ये वाली जो कलर है वो नहीं है। एंड उसके बाद कलरिंग जो है उसमें क्या क्या चीज जो इंग्रेडिएंट है वो है, डेवलपर में क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्लासिक कंडीशनर में क्या इंग्रेडिएंट्स है, एंटी फेड कंडीशनर में क्या इंग्रेडिएंट्स जो है इसके, वो सारे चीज यहाँ मेंशन किए गए हैं। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी चीज को लेकर एलर्जी हो तो आप इसे यूज ना करें। मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं जो मैं अपने हर वीडियो में या फिर जो इस तरह के वीडियोस होते हैं कलरिंग वाले उसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि आप पहले पैच टेस्ट ले लें एंड उसके बाद ही इसे यूज करें। तो अब इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये है पैराडाइज की ग्लॉसी हेयर टिंट और मैंने जो सेड लिया है वो है हेजल ब्राउन और इसके ऊपर में राइट साइड में ये भी लिखा है कि ये लाइट ब्राउन है। तो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है या फिर कुछ अलग मिलने वाला है और सब हेयर कलर के बॉक्स से। तो मुझे लगता है इसमें भी वही सिमिलर चीज़ें हैं जो बाकी सारे कलर्स में मिलती है, एक हेयर कलर ब्रश है, एक कलरेंट है, ग्लॉसी कलर क्रीम है, एक डेवलपर है ग्लॉसी क्रीम डेवलपर और मिलने वाली है 2 कंडीशनर्स, एक जो क्लासिक कंडीशनर है वो आपको तुरंत कलरिंग के बाद लगानी है और एक पैराडाइज की एंटी फेड कंडीशनर है जो कि आपको 2 वीक के बाद यूज़ करनी है अपने हेयर पे कलर लगाने के बाद।
एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ है लिखे हुए जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी नए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको इससे मिलने वाली है 1 pair ऑफ ग्लव्स भी। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हेयर पे हिना लगा हुआ है, तो इस वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा जिन लोगों ने भी हिना लगा रखा है अपने हेयर पे और वो सोच रहे हैं इस कलर को परचेस करने की, तो उन लोगों के लिए तो इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके हेयर में कलर है या फिर आप हिना लगाते हैं तो ये वाली कलर परचेस करना वर्थ इट है या फिर नहीं। तो पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको रिजल्ट शो करती हूँ, तभी पता चलेगा कि इसके रिजल्ट जो है वो हिना वाले हेयर पे कैसे आते हैं। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में और मैं इस कलर को यूज करती हूँ। बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास छोटी वाली बाउल थी तो उसमें तो होता नहीं, इसलिए मैंने एक बड़ी वाली एक प्लास्टिक की जो कंटेनर है वो ले ली। और मैंने अपनी आँखों से लेंस हटा लिया है क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं तो उसमें लेंसेज जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को हटा दिया है। अपने हेयर को अच्छे से पार्ट करने के बाद अब मैं इसे एक कंटेनर में निकाल ले रही हूँ। प्लास्टिक कंटेनर ही यूज़ करें या फिर ग्लास कंटेनर यूज़ करें, अगर आप हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे मिक्स करने के लिए प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर यूज़ करें। ऐसे तो मैं ग्लव्स पहन के कलर नहीं लगाती, बट यहाँ पे मैंने ग्लव्स वेयर कर लिया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ ग्लव्स के साथ, और मुझे ब्रश से भी यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने हाथों से ही यूज़ कर लिया है। और मैं अपने हेयर्स के नीचे वाले पार्ट में ही लगा रही हूँ और मैं अपने जो रूट्स है उसे छोड़ दे रही हूँ, वहाँ पर मैं कलर नहीं लगा रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं हिना यूज़ करती हूँ और मैं फ्रीक्वेंटली हिना यूज़ करती हूँ, वीक में एक बार तो मैं लगा ही लेती हूँ हिना को। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे हेयर के जो नीचे वाले पार्ट है उसमें अभी भी मैंने जो पहले जो कलर कर रखा था वो हल्की हल्की सी है। ऐसे तो इसे 30 to 45 minutes तक रखना था बट मैंने इसे 1 hour तक रखा था। तो ये है रिज़ल्ट और आप देख सकते हैं कि जो हेयर के नीचे वाली पार्ट है उसमें ज़्यादा डार्क कलर आया है और जो ऊपर वाली पार्ट है उसमें थोड़े कम रिज़ल्ट है, उसमें थोड़े हल्के हैं। तो हिना वाले हेयर में ऐसा ही रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, एंड अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड इसी तरह के न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज़ एंड कंपेरिजन वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।